ABPS News। आज दिनांक 17 तारीख 8 2018 समय 5 बजे प्रतिमा पर बहुबहु महासभा और प्रकोष्ठ हिंदू जागरण सेल के साथ मिलकर भारत रत्न व हार्दिक राजकुमारी कोमल हृदय व सरल व्यक्ति वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन आपत्ति कर कैंडी जलाकर भावों में श्रद्धांजलि सभा कर आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं महासभा अध्यक्ष मोहम्मद अहमद महबूब शेख ने अटल जी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत राजनीति का एक युग का अंत हो गया है। अटल जी समाजवादी नेता थे, इंसानियत के नायक व राजधर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। वहीं हिंदू जागरण सेल बबलू विश्वकर्मा व हरदोई अर्जुन सिंह रावत संयुक्त रूप से अटल को दुखी मन से याद करते हुए कहा, वे एक चमकते सूरज की तरह थे जिनकी रोशनी से देश की गंगा जमुनी तहजीब व अमन का उजाला फैला हुआ था। जहाँ पर काफी लोग मौजूद रहे, युवा प्रतिकोष मोहम्मद रजा व शहरी अध्यक्ष लक्ष्मण दानिश सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से अटल जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने वाले प्रदेश उपाध्याय आरिफ हसन, शहर अध्यक्ष लखनऊ दानिश उपाध्याय मोहम्मद नसीम मंडल, अध्यक्ष हिंदू जागरण सिंह बबलू विश्वकर्मा, जिला उपाध्याय अली रजा पश्चिम, सभा अध्यक्ष फहीम सिंह, उत्तर विधानसभा अध्यक्ष फानूस अहमद मादी, माध्यम विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद गुफरान, विधानसभा सचिव अनीस सिद्दीकी व दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम है अहमद महबूब शेख, मैं प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुस्लिम महासभा प्रभारी। आज हम और हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं गांधी प्रतिमा में। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका देहांत कल हुआ था उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। एक वन ऑफ द नेशंस बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं, जो बहुत ही सेकुलर थे। एक सेकुलर प्राइम मिनिस्टर बनने का मिसाल उन्होंने कायम किया था। एक ऐसा रतन था जो देश ने आज है ना खो दिया है। हिंदुस्तान को पावरफुल बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी हमारे दिल में हमेशा के लिए बसे रहेंगे। आज हिंदुस्तान अगर एक न्यूक्लियर नेशन है तो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से है। आज हम हमारे दुश्मनों के सामने डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उनके सामने हम डट के खड़े हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। और हम उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत दुख हुआ कि ऐसे एक हीरा जो देश में हमेशा चमकता था आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर हमारे दिल में बस गया है और हमेशा के लिए ये अमर रहेंगे और हमारे दिल में हमेशा के लिए बसे रहेंगे। कुमार विश्वकर्मा और कपिल विश्वकर्मा मेरा नाम है और आज यहाँ पे मैं बहुजन मुस्लिम महासभा हिंदू जागरण सभा मंडल अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे हम अपने आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि पुष्प के रूप में समर्पित करने के लिए आए हैं। वो हमारे देश के वो वीर जवान थे, ऐसे वीर नायक थे जिनकी प्रेरणा से हम वीर जवानों के अंदर वो एनर्जी वो पावर दे के गए हैं, जिनको हमें जैसे दे के गए वैसे आगे करना है। दो शब्द उन्हीं की समर्पित के रूप में गीत के रूप में, ओ भारत के वीरो, ये हमारे प्रेरणा नायक वाजपेयी जी ने जिस तरह से कहा है, ओ भारत के वीरो उठो फिर दोबारा, हिमालय ने पुकारा, लगा दो बाजी जान की, कि तुमको देता हूँ कसम हिंदुस्तान की, कि तुमको देता हूँ कसम हिंदुस्तान की।